जहां एक ओर महाराष्ट्र में रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की खस्ता सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। तस्वीरें ठाणे जिले के कल्याण मुरबाड़ हाईवे की है, जहां सड़कों पर उभरे बड़े बड़े गड्ढे स्थानीय स्कूली छात्रों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं। दरअसल कल्याण से सटे वरब गांव में स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को कल्याण मुरबाड़ हाईवे से गुजरकर जाना पड़ता है। लेकिन इस सड़क के गड्ढे और निर्माण कार्य की गति दोनों ही स्कूली छात्रों के लिए समस्या बन चुकी है। वहीं स्कूली बच्चों के माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर स्कूल मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट भी संबंधित ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग से बार बार शिकायत कर रहा है। स्कूल प्रशासन के लगातार शिकायतों के बावजूद भी निर्माण कार्य में तेजी नहीं आ रही है और ये कछुए की चाल से चल रहा है। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल एल्विन एंथोनी ने गड्ढा और कीचड़ में लेटकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर स्कूल टीचर्स का कहना है कि पिछले 2 सालों से कल्याण मुरबाड़ हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं इस सड़क पर जो गड्ढों का साम्राज्य है, वे यहाँ से गुजरने वालों वाहनों के लिए खतरा है और कोई भी कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, जिसमें उनकी स्कूली बच्चे भी यहां से गुजरती है। स्कूल प्रशासन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सड़क निर्माण में तेजी लाने की लगातार मांग कर रहा है। नहीं, आंदोलन नहीं था वो सर, वो प्रायश्चित था, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा जो एक बच्चा है वो बाइक पे आ रहा था अपनी मम्मी के साथ में और वो बुरी तरीके से उस गड्ढे में गिर गया और उसे बहुत बुरी तरीके से लगा। जब पेरेंट अंदर आया है तो उन्होंने सर को पूछा है कि अगर मेरा बच्चा मर जाता आज तो आप क्या करते। तो हम इतने मजबूर हो गए हैं, इतने बार हमने गवर्नमेंट को बोला है, सारी अपीलें कर दी है, तो अभी यही हमारे पास रास्ता बचा सर के पास, जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है एल्विन सर, उनको बहुत बुरा लगा और प्रायश्चित के तौर पर वो कीचड़ में बैठ गए, क्योंकि हमारा बच्चा और हमारे पेरेंट्स भी उस कीचड़ में गिर गए थे। ये 2 साल हो गए हैं ये हाईवे का काम शुरू होते हुए और अभी आप देख रहे हो कंडीशन क्या है। हमारी सबकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, यहाँ के कॉमन जो पब्लिक है, इनकी मांग यही है कि एक सिंपल सा हमें बेसिक सा रोड मिल जाए जो डेंजर फ्री हो, जहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो। नहीं, उनका ऐसा प्रायश्चित ही था जो वो गड्ढे में उतरे कि, क्योंकि हम जिस लेवल पर बिलोंग करते हैं, आप समझ सकते हो एल्विन सर जो ये स्कूल के जो पूरे जो स्कूल चलाते हैं वो क्यों गड्ढे में उतरेंगे। तो ये ऐसा प्रायश्चित ही था कि जब हमारे बच्चे जो स्कूल में आ रहे, जो नन्हे छोटे बच्चे हैं, वो इस गड्ढे में गिर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ लग रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगा और इसकी वजह से वो भी कीचड़ में उतरे। सर एक्चुअली जैसा कि आपने पहले भी सुना, बार बार वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि 2 साल हो गया, शाम दाम दंड भेद यही रास्ते होते हैं, अब उससे ऊपर चौथा रास्ता तो नहीं निकलता है ना। चौथा रास्ता हमारे लिए है भी नहीं और उस तरीके से गड्ढे में सोना, बैठना, कीचड़ अपने ऊपर लगाना किसी को पसंद नहीं। जब आप इन रास्तों से जाते हैं, जरा सा कीचड़ आपके ऊपर आ जाएगा तो आप उसे 10 बार पोंछते हैं और उस कीचड़ में बैठना मतलब वो उच्च कोटि की का ही काम है। कोई नॉर्मल इंसान जाकर ऐसे ही नहीं बैठ सकता है। मेरे बच्चे को चोट लगेगी, अनशन करना, आमरण अनशन पे बैठना, ये सब बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, वो नॉर्मल है, वो बहुत लोग करते हैं क्योंकि उसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ पर कीचड़ में बैठना, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना है, इसीलिए हमारे सर ने ऐसा। सर मेरा भी बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, कुछ समय पहले मैं भी स्कूटी से आती थी यहाँ पर, लेकिन ये रोड की हालत देखकर मुझे भी अपनी गाड़ी साइड में रखनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं आ सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकती। जब मैं अपने बच्चे के लिए रिस्क नहीं ले सकती तो ये तो उनके ही है ना, हमारे ही है ना, ये 2000-3000 बच्चे, हम उनकी जान से कैसे खेल सकते हैं। सर प्रशासन से यही मांग है, हम बार बार यही अपील करेंगे कि एक अच्छा सा रोड बनाकर दे दीजिए। ये रोड पे ना कोई सेक्रेड हार्ट वाला आकर बैठने वाला है या हम अपनी कुछ अलग एक सत्ता बनाने वाले हैं कि ये रोड हमारी वजह से बन गया, हमारी वजह से हमारे चलते हो गया, ऐसी कोई भी मांग नहीं है। सभी लोगों की यही मांग है कि एक अच्छा सा रोड बन जाए। जिस यहाँ पर सिर्फ सेक्रेड हार्ट विद्यालय नहीं है सर, आगे आप जाएंगे ना तो आपको और भी विद्यालय मिलेंगे। एक्चुअली बहुत परेशानी है, एक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम लोग इस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, लेकिन स्कूल्स की तरफ से भी बहुत कुछ करने के लिए उन लोगों को बताया गया था जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों को, लेकिन वैसे कुछ एक्शन लिया नहीं गया है अभी तक।